दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षता स्वाति महिवाल आज बोरीवली कोर्ट में आई, जहां उनका जज के सामने बयान दर्ज किया गया। अगली सुनवाई 19 सितंबर 2022 को रखी गई है। स्वाति महिवाल ने 2017 में महाराष्ट्र के विधायक अब्बू आजमी के खिलाफ महिला के ऊपर किए गए टिप्पणी पर बयान दर्ज कराया था। बेंगलोर में 31 सितंबर 2016 को कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सामने आई थी, जिस पर अब्बू आजमी ने 3 दिन तक महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि महिला साड़ी और बुरके में ही ठीक रहती हैं, अगर वे अंग प्रदर्शन करें तो ऐसी घटना हो ही जाएगी। महिवाल ने यहां तक कहा था कि आजमी ने यहां तक कह दिया था कि पेट्रोल है तो आग लगेगी ही, गुड़ है तो चींटी लग ही जाएगी। इस तरह का बयान देकर उन्होंने रेपिस्ट को प्रमोट किया था, जिसके लिए उन्होंने बोरीवली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसका मामला चल रहा है। उन्होंने कोर्ट से मांग करते हुए ऐसे मानसिक विचार वालों पर कड़ी से कड़ी सजा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय पर उनका भरोसा है, यह महिला की अस्मिता का सवाल है। एक केस है जो 2017 में मैंने महाराष्ट्र के MLA अबू आजमी के खिलाफ फाइल करवाया था। केस ये है कि जो अबू आजमी है, इन्होंने जब मास मॉलेस्टेशन का केस हुआ था बेंगलोर में 2016 की 31 दिसंबर को, बहुत सारी लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन किया गया था, तब इस शख्स ने टीवी पे आकर 3 दिन बहुत बयानबाजी करी थी। इनका ये कहना है कि जो लड़कियां हैं वो या तो बुरके में रहती हैं, या फिर जो हिंदू लड़कियां हैं वो बड़ी अच्छे जो सभ्य घर की हैं, जो तहजीब वाली हैं, वो पल्लू करके रहती हैं, गैर आदमियों के सामने वो बिना अपने पल्लू के बिना वो आती नहीं हैं। अगर कोई लड़की गैर आदमी के साथ रात में घूमती है तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर वो गैर आदमी उस लड़की के साथ कुछ गलत करे तो ये तो होना ही है। उनका यहाँ तक कहना है कि अगर आग है, अगर पेट्रोल है तो आग तो लगेगी ही लगेगी, अगर चीनी पड़ी है तो फिर चींटी तो आएगी ही आएगी। तो जो उनके शब्द हैं वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्शनेबल हैं, ऑब्सीन हैं, मिसोजिनिस्ट हैं, और एक तरीके से जो रेपिस्ट हैं उनकी मेंटालिटी को प्रमोट करते हैं, रेप कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो इसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट करी थी। आज बोरीवली कोर्ट ने मुझे बुलाया है और मेरा यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस केस में अबू आजमी को सज़ा मिले, और सख्त से सख्त सज़ा मिले, जिससे कि जब नेता लड़कियों के बारे में या महिलाओं के बारे में और रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे के बारे में कुछ बोलते हैं तो उनको डर लगे और वो सही बात बोले। अगली तारीख 19 सितंबर है। मैम, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर पे CBI के छापे पड़े हैं, क्या कहेंगे? जी, वो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी उसमें काम चल रहा है और मेरा उसमें क्या कहना बनता है। वो जो काम चल रहा है, जो भी हो रहा है, कोऑपरेशन CBI को करना ही चाहिए और मुझे लगता है वो हो भी रही है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।